Hey guys, good morning and welcome back to the channel. तो भाई आज है सैटरडे एंड मैं जो है निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए. वैसे ज़रा भी मूड नहीं है ऑफिस जाने का बिकॉज थकावट बहुत हो रही है. कल बहुत भागा मैं यहाँ वहाँ पर. पहले उल्लासनगर गया, फिर उसके बाद नेहरू लाया, मतलब आराम करने का ज़रा भी मौका नहीं मिला. तो बट स्टिल अब कमिटमेंट दी है तो निभानी पड़ेगी. मैं वैसे सलमान का भाई वो नहीं हूँ, फ़ैन नहीं हूँ, बट स्टिल कमिटमेंट जो देते हैं उसे निभाना तो पड़ता है. तो आई एम गोइंग एट माई ऑफिस एंड कुछ काम है वहाँ पे. वहाँ पे भी बप्पा हैं, आज उनका भी विसर्जन है एंड मैंने वहाँ के बप्पा के दर्शन नहीं किए हैं, तो इस वजह से भी मैं जो है आज जा रहा हूँ अपने ऑफिस एंड उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो काम है वो करूँगा एंड फिर उसके बाद आपसे मिलूँगा. तो जी घड़ी में लगभग बज रहे हैं 3:05 हो रहे हैं एंड मैं जो है ऑफिस से निकल आया हूँ क्योंकि आज हाफ डे होता है एंड बस अभी निकलेंगे घर पर. और बाहर हो रही है बारिश, अभी तो फिलहाल थोड़ी सी रुक गई है, हौली हौले हो रही है, लेकिन खतरनाक बारिश हुई थी. अच्छा लगता है जब गणपति का विसर्जन होता है या फिर कुछ इंडियन त्यौहार होते हैं, हिंदू त्यौहार होते हैं, एंड उसमें बारिश आ जाती है ना, बड़ा मज़ा आता है. स्पेशली गणपति जैसा माहौल हो, गणपति जी का त्यौहार हो और विसर्जन का माहौल हो तो बारिश बनती है बॉस. चलिए अब चलते हैं घर पर. गुड इवनिंग एंड शाम के जो हैं तकरीबन एक मिनट कैमरा थोड़ा खराब सा हो गया. ओके तो भाई गुड इवनिंग एंड शाम के बज रहे हैं 5. जी हाँ, मैं तकरीबन 3:30 के करीब जो है वो घर पर आ गया था. खाना पीना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया एंड फिर उसके बाद अभी जो है मैं पानी चेंज कर रहा हूँ इस फिश टैंक का, डिस्कस फिश टैंक का. सो व्हाट आई डिड टुडे इज़ दैट कि मैंने ये जो है ना पाइप डायरेक्टली लगा दिया है एंड जिससे वाटर जो है डायरेक्टली टैंक में आएगा एंड उसके बाद ये जो है साइमल्टेनियसली मैं ये प्रोडक्ट जो है वो डाल रहा हूँ. प्राइम का प्रोडक्ट है ये, कंडीशनर है प्लस अपने अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट जो है ना, क्लोरीन वगैरह जो है ना, ये सारी चीज़ें रिमूव करता है. सो इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइम एंड ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट आई यूज़ इट पर्सनली एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो पीपल हु ऑल आर कीपिंग फिश नॉर्मल भी मिलते हैं लेकिन ये थोड़ा अच्छा होता है, ब्रांडेड यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा सा फिश के लिए भी थोड़ा अच्छा होता है. खैर ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी चेंज करता हूँ एंड फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ. मुझे घड़ी में लगभग बज रहे हैं 10 एंड हम देख रहे हैं सुमाना सेठ का ब्लॉग और उसके साथ साथ खाना जो है हमारा आ गया है. तो बस अब खाना पीना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है. फिर कल का जो मेजर टास्क है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि कल जो है ना हमें इसे अनअसेंबल करना है और इसके साथ साथ फिश का जो है कुछ काम है तो वो भी चीज़ें करनी है. तो कल का दिन ही बीच में है, हम वो फटाफट कर लेंगे लेकिन अभी पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि खाना बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है. हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल. आज है संडे एंड घड़ी में जो है ना 1:30 बज रहे हैं एंड सवेरे से जो है मैं पूजा वगैरह में था तो भगवान की पूजा हो गई है, भगवान को भोग वगैरह लग चुका है. अब जो है मैं नाश्ता करूंगा. आज संडे के दिन जो होता है ना, संडे के दिन बेसिकली मैं शिवाय का जो है अभिषेक करता हूँ एंड जितने भी अपने विग्रह हैं उन सभी का अभिषेक करता हूँ पंचतत्वों से. तो इस वजह से त्रिपुंड वगैरह लगाते हैं. शिवपुराण के अनुसार भगवान शिव की जब आराधना करनी है तो त्रिपुंड लगाना है भस्म का और यू नो रुद्राक्ष पहनना है, रुद्राक्ष अंदर है. तो बस इसी तरीके से जो है अपना संडे का प्रोग्राम होता है. तो अब भूख लगी है एंड मैंने थोड़ी सी सब्जी यहाँ पे ले ली है एंड पराठा ले लेते हैं. एक काम करते हैं, मैं सब कुछ ले ला के आपसे मिलता हूँ. बढ़िया भी मिला है और यहाँ पे मम्मी जो है ज्योति के लिए सूट सलवार ले रही है और ज्योति वैसे ऊपर से दुखी बता रही है लेकिन अंदर से बहुत खुश है. है कि नहीं है, है कि नहीं? या ये नहीं चाहिए, अच्छा है गया अलग.
मूव टू बैक। खैर एनीवेज अभी फिलहाल जो है मैंने नाश्ता पानी कर दिया है। ये जो है हमारे बप्पा यहाँ पर विसर्जित हुए थे यहाँ पर, तो आज मैं सोच रहा हूँ दैट कि एटलीस्ट ये जो है बप्पा की जो मिट्टी है ना वो एटलीस्ट हम जो है विसर्जित कर कर आ जाएं। तो लेट्स सी, इसको देखते हैं दैट कि इसका कैसा कर सकते हैं आज, लेकिन आज ये मैं कर दूँगा। तो जी यहाँ पे जो है ना टब खाली मैंने कर दिया है, पानी पेड़ों में डाल दिया है एंड ये मिट्टी जो है बची है यहाँ पर। उसके अंदर मूर्ति के साथ जो आभूषण लगे हुए थे ना वो सारे आभूषणों को मैंने इस थैली में डाल दिया है और ये मिट्टी यहाँ पर है। अभी फिलहाल थोड़ी सी बारिश हो रही है, एज यू कैन सी, पता नहीं कैमरा में दिख रही है नहीं दिख रही, बट हाँ बारिश हो रही है। तो अभी एक काम करते हैं दैट कि थोड़ा सा रुकते हैं एंड जैसे ही शाम होती है या बारिश ख़त्म होती है तब जो है पापा की इस मिट्टी को जो है हम यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है, कृत्रिम कुंड है जो विसर्जन के लिए आजकल बनाया जाता है बीएमसी की तरफ से, तो वहाँ पे जाएंगे विसर्जन करेंगे एंड फिर वापस आएंगे भाई। एंड एंड ये एक काम अपना बाकी है, तो ये जो है धीरे 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 निकलेगा। यहाँ पे आज छोटा मोटा जो सामान था वो मैंने निकाल दिया, तो ये जो है थोड़ा थोड़ा करके धीरे 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 होगा। देखिए कितना एकदम अलग सा लगता है ना पापा के बिना, पापा की वाइब्स ही अलग है यार, नो डाउट। तो जी हमने मिट्टी जो है वो बाहर निकाल दी है एंड अब जो है ना हम नज़दीक के तालाब में इसे लेके जाएंगे, लिफ्ट निकाल लेते हैं, लिफ्ट को बुला लेते हैं ताकि यहाँ से नीचे जो है ना आराम से जा सकें। तब तक मैं सैंडल पहन लेता हूँ। जी ये रहा तालाब एंड हमने जो है पापा की मिट्टी यहाँ पर विसर्जित कर दी है एंड ये छोटा सा तालाब एक्चुअली घर के पास ही है, तो दिस इज़ द बेस्ट दैट कि विसर्जन करो एंड यहाँ पे जाके अपने जो भी मिट्टी है चीनी मिट्टी है वो यहाँ पे डाल के विसर्जित कर दो। तो बस अभी यहाँ से चलते हैं घर पर। खैर एनीवेज घड़ी में लगभग बज रहे हैं 6:45 एंड हम जो है रेडी हैं बाहर जाने के लिए। आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर एंड मैंने ये कैची और ये डबल टेप भी ले ली है बिकॉज गणपति बापा जो है थोड़े से ढीले हो गए हैं, वहाँ पर थोड़े से निकल गए हैं तो वो थोड़ा सा लगाना था। पानी वानी ले लिया क्या? पानी ले लो, सब ले लो। चाबी, गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी पापा यहाँ पे सेटल हो गए हैं, झंडा हमने वहाँ पे लगा दिया है। इसी बात पे चलिए गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आईफोन 13 का बोला सिर्फ 35,000 देगा। हाँ इस बार ना बोला इसका रिप्लेसमेंट करके आईफोन 15 कितने का मिलेगा, बोला इस फोन का प्राइस 35,000 एंड फिर उसके बाद जो है बाकी जो है वो करना पड़ेगा। बताइए क्या बनेगा। यह हमने लिया था 60,000 का डायरेक्ट हाफ प्राइस, वही ना मैंने बोला बाहर ही बेच दूंगा तो फिर अच्छा रहेगा, इससे अच्छा तो क्या बोल रहे हैं। खैर एनीवेज द बॉम्बे स्टोर वन ऑफ माई फेवरेट स्टोर, सिर्फ देखने के लिए खरीदने के लिए कुछ नहीं, बहुत ज्यादा प्राइस देता है। चलते हैं अंदर। ऐसे सजा के रखने के लिए मस्त। चलिए जी अब हो गया है नीचे का, अब हम जा रहे हैं ऊपर थोड़ी सी टाइम पास करने के लिए। ऊपर कैनन में जाएंगे बिकॉज कैनन में आई थिंक दैट की आई विल सी सम कैमरास, आई फील दैट की कैमरास की जरूरत है। इससे इतना नहीं हो पाता जितना यू नो जितनी क्वालिटी हमें चाहिए उतनी क्वालिटी नहीं मिल पाती, सो आई फील दैट कि वी शुड सी एटलीस्ट वन कैमरा। देखते हैं कैनन 200D ही देखेंगे पहले, अगर वो हो अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है और एल्स विल सी सम अदर कैमराज ऑल्सो। सो गाइस कैनन मेरे सामने है, चलते हैं कैनन के अंदर एंड देखता हूँ दैट कि प्राइस वगैरह कुछ कमती हुआ या नहीं हुआ है। लास्ट टाइम आया था 63,000 का आया था कैनन 200D का, लेट्स से अभी यहाँ पर हाय जी आगे हैं क्या नहीं। और सर क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए कैसे? फर्स्ट क्लास, ऑल गुड ऑल। तो जी कैनन में गया था एंड काफ़ी सारे कैमरास देखे, कुछ पसंद आए हैं एंड बहुत ही जल्द मैं आऊँगा यहाँ पर लेने के लिए। कैनन मार्क टू जो हमारा था वो भी है यहाँ पर,
बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। मैंने तकरीबन 40 या 38 के करीब मैंने लिया था, बट अब जो है वो 60,000 का हो गया, और लेंस कम करेंगे तो 55,000 तक हमें मिल जाएगा, 55 या 54,000 तक मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा और कम करा दूंगा। तो आई एम थिंकिंग दैट कि कैनन 200D ही लें या फिर 90D लें। 90D जाएगा हमें तकरीबन 1 लाख तक, बट मज़ा आ जाएगा लेकर, क्योंकि उसमें फोकल जो कैम वो होता है ना, पॉइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सी, चलो देखते हैं कैसे करते हैं, दिवाली से पहले तो लेना ही है कैसे भी करके। भाई हम आए हैं मन भवन थाली खाने के लिए, यहाँ पे थाली का फुल सेटअप है। प्लेट ख़त्म कर दिया और बहुत ही टेस्टी खाना है। लाल दाल ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद मीठा, फिर उसके बाद ये। तो जी घड़ी में लगभग बज रहे हैं रात के 11 और हम जो हैं पार्किंग से निकल रहे हैं मॉल के, एंड खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमने बहुत ही पेट भर के खाया एंड ओवर खा लिया एक्चुअली। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं घर पर एंड आपसे मिलते हैं डायरेक्ट घर पर। तो जी रात के बज रहे हैं 12:30 एंड एज यू कैन सी दैट की आंखों में बहुत तकड़ी नींद है। खाना बहुत ही सुंदर था, खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। वन ऑफ माई बेस्ट डेस्टिनेशन आज के बाद वो रेस्टोरेंट जो है वो होगा। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अभी फ़िलहाल जो है मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था लैपटॉप पर, नहीं इसी फ़ोन पर, बिकॉज लैपटॉप जो है ना अपना थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं एडिटिंग वगैरह, सारी चीज़ें एडिटिंग शूटिंग दुनियादारी सारी चीज़ें फ़ोन से ही हो रही हैं, एंड आई एम ग्लैड दैट कि मैंने आईफोन पे इन्वेस्ट किया, एंड दिस इज़ हाउ यू नो थिंग्स आर वर्किंग। सो एज अ क्रिएटर डेफिनेटली यू नीड सच सिस्टम, सच डिवाइस इन योर यू नो किटी, सो दैट आपका काम नहीं रुकना चाहिए। तो बस थोड़ी देर में ये ब्लॉग एडिट करूँगा एंड ये कल आपको मिल जाएगा। इस वीक से एक दिन मतलब हफ्ते में 3 व्लॉग जो हैं आएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा देख के हफ्ते में 3 व्लॉग जो है मैं आप लोगों को दूँ, या फिर 4 या 5 जैसे भी होगा, मतलब जैसे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उस हिसाब से जो है मैं आप लोगों को व्लॉग दूंगा। तो दोस्तों आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर अभी तक आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दैट कि आपको ये व्लॉग जो है आपको कैसे लग रहे हैं, बिकॉज आपका एक लाइक आपका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, एंड मोटिवेशन की हर किसी को ज़रूरत होती है, आपको भी मुझे भी। अप्रिसिएशन की हर किसी को ज़रूरत होती है, आपको भी मुझे भी। अब छोटा सा अप्रिसिएशन शायद मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर जाए। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।